समय की खबर का असर हुआ है। आपको हमने दिखाया था कि दिल्ली के दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक इलाके में ऐतिहासिक महत्व की कई इमारतों के इर्द गिर्द किस तरह धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहा है। उन्हीं में से एक हेरिटेज बिल्डिंग टाउन हॉल भी है। कायदे से इसके 300 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन सरेआम कानून का मजाक उड़ाते हुए वहां निर्माण कार्य चल रहा था। लेकिन समय पर खबर दिखाए जाने के बाद वहां निर्माण कार्य रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं समय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यहाँ तो पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन है। आप ये बताओ कि कोई भी ऐसा इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा हो जिसका मैप पास हुआ हो या कोई ऐसा काम हुआ हो, बस आदमी ने एमसीडी में पैसे दिए और अपना काम करना शुरू कर दिया। हमने लिखित के अंदर भी कमिश्नर को हमने कंप्लेन दी है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं थी, ना एमसीडी के अंदर ना क्या कहते हैं सरकार के अंदर, हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। समय ने आपको दिखाया था कि किस कदर दिल्ली के दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक में अवैध निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है, और इसकी सुध ना तो इलाके के विधायक और ना ही नगर निगम के नुमाइंदे या अधिकारी ले रहे हैं। स्थानीय लोग परेशान हैं कि इस अवैध निर्माण के चलते उनकी जान माल की सुध लेने वाला कोई नहीं है। समय पर इस खबर के दिखाए जाने के बाद एमसीडी हरकत में आई और टाउन हॉल के ठीक सामने चल रहे इस अवैध निर्माण को रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। SHO को एक लेटर दिया गया था हमारे DC जो है जोन के, उन्होंने कि इनके ओनर्स और बिल्डर्स जो हैं ये एक्टिविटी बंद नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और इसके बावजूद भी अब भी नोटिस किया गया कि इसमें अभी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जारी है। तो इसलिए इसके अगेंस्ट 24 तारीख को हमने सीलिंग ऑर्डर्स और डिमोलिशन ऑर्डर्स पास कर दिए। अब जैसे पुलिस अवेलेबल होगी इस पर एक्शन लिया जाएगा। पहले सीलिंग एक्शन इसलिए लिया जाएगा ताकि इसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद हो जाए और फिर उसको एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ फोर्स इसको डिमोलिशन एक्शन लिया जाए। टाउन हॉल के ठीक सामने चल रहे इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए पहले भी निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो वहां अधिकारियों, पार्षद और विधायक की मिलीभगत के चलते कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं होता। पहली बार समय पर खबर दिखाए जाने के बाद मटिया महल के विधायक असीम अहमद ने इसका स्वागत किया है। मुझे लगता है MCD अभी इतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन जब से अभी दो दिन पहले आपके चैनल पे प्रोग्राम दिखाया गया सारा समय पे, जब ये प्रोग्राम आया तो उसके बाद से MCD के अंदर कुछ हलचल हुई है, और मुझे लगता है डेफिनेटली जब आपके चैनल पे ये चीज आई है तो MCD इस पे एक्शन लेने के लिए मजबूर है, और MCD को एक्शन लेना भी चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल एक लीगल बिल्डिंग है और पुरानी दिल्ली के अंदर एक जालसा बन गया है लीगल बिल्डिंगों का। मैं समझता हूं इस बिल्डिंग पे एक्शन होने से आगे बिल्डरों को भी मतलब एक सीख मिलेगी, और वो जो भी काम करेंगे तो बाय लॉस करेंगे, अपने नक्शे पास करा के करेंगे, सेफ्टी मेजोरिटी के साथ करेंगे। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा आपके चैनल को जिन्होंने ये पुरानी दिल्ली का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, आपके इस चैनल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे मुद्दे कभी भी हों तो आपके लोग इसे उठाने से कम जो डिपार्टमेंट है वो एक्टिव हो जाता है, उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। चांदनी चौक में ऐसी और कई जगहें हैं जहां बिना किसी इजाजत के निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इलाके के विधायक या अधिकारी इससे अनजान हो, लेकिन नीयत किसी की नहीं है जो इस अवैध निर्माण पर रोक लगवा सके, उनकी भी नहीं जो अलग दिशा की राजनीति करने आए थे। इस समय दिल्ली से मोनिका सिंह।